हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप सभी। वेलकम टू द क्लास। बच्चों, कल हमने स्टार्ट की थी बेटे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो कल के लेक्चर में हमने एसिडिक रिएक्शंस डिस्कस की थी, अल्कोहल की भी और फिनॉल की भी। आई होप कि बेटे आपको कल का लेक्चर जो हमने लिया था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटे केमिकल रिएक्शंस पर, टाइप सेकेंड पर। टाइप सेकेंड में क्या है बेटे कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड। हमने बेटा ये बॉन्ड तोड़ना है अल्कोहल में भी और फिनॉल में भी। पहली बात, फिनॉल ये रिएक्शन आपकी इजिली शो नहीं करता बेटे, ये देखेंगे ठीक है। क्यों नहीं करता बेटे? यदि आप फिनॉल को देखें तो क्वेश्चन क्या है कि फिनॉल कैन नॉट easily show these reaction। Phenol में बेटा resonance stabilization है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के, ये लॉन पेयर जो है बेटा, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं रेजोनेंस में। तो उससे क्या होगा बेटे, यहां पर क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। डबल बॉन्ड करेक्टर आने से क्या हुआ बेटे बताओ? अब अल्कोहल में ऐसा कुछ नहीं है, अल्कोहल में तो कोई रेजोनेंस है ही नहीं, यहां कोई भी रेजोनेंस नहीं है। तो यहां कौन सा बॉन्ड रहता है बेटा? ये सिंगल बॉन्ड रहता है। तो ये आपका रहता है क्या, सिंगल बॉन्ड। और यहां पर कौन आ जाता है, डबल बॉन्ड। एंड एज यू नो वेरी वेल बेटे कि डबल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसलिए बेटा फिनॉल कैन नॉट इजिली शोज दीज रिएक्शन। फिनॉल इजिली शो नहीं करता बेटा, ये बात समझ आ गई आपको बड़े आके, ठीक है ओके। एक रिएक्शन जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, मैं सिर्फ वो डिस्कस कर लेता हूं बेटे कि फिनॉल की रिएक्शन है जिंक के साथ, यदि आप हीट करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बेटे बेंजीन, ठीक है। सिर्फ आपकी बेटा ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, अदरवाइज बेटे फिनॉल की कोई भी रिएक्शन नहीं है। बड़े आके बोलो, कर पाएंगे? एक और तरीके से हम समझ सकते हैं क्या कि यहां पर यदि मैं ये बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो ये किसका काम कर रहे हैं, एज ए बेस। क्या पढ़ा था हमने कल कि फिनॉल जो है, मैं यहां एक और मैं पॉइंट लिख रहा हूं, फिनॉल क्या थे बेटे, स्ट्रॉन्गर एसिड थे देन अल्कोहल। इसलिए वहां पर जो एसिडिक प्रॉपर्टी कल डिस्कस की वो फिनॉल में बड़ी फास्ट हुई थी, याद है ना। यदि ऐसा है तो बेटा वीकर बेस होंगे देन अल्कोहल। और ये रिएक्शन क्या है, बेसिक रिएक्शंस हैं, बिकॉज ओएच नेगेटिव निकाल रहे हो तो फिनॉल का रेट क्या है बेटे, कम होगा, बिकॉज फिनॉल दे आर वीकर बेस एज कंपेयर टू अल्कोहल। बट यदि क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में तो आप आंसर ये लिखोगे बेटे, ठीक है ना, कि फिनॉल दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज एंड देयर अपीयर पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएटेड एंड ड्यू टू दिस फिनॉल कैन नॉट इजीली शो दिस रिएक्शंस। क्लियर बच्चों? चलो शाबाश, नोट करो, डू फास्ट। ओके, तो अल्कोहल की एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी बेटे आप कर चुके हैं ये लेक्चर नंबर 5, देखना हेलो एल्केन्स का। लास्ट चैप्टर में हम करके हटे बेटे हेलो एल्केन्स में, लेक्चर नंबर 5 वहां देखना एक बार क्या थी रिएक्शंस। देखो एक बार मैं बता देता हूं, आर ओ एच प्लस एच एक्स। एच एक्स क्या था बेटे, एच सी एल था, एच बी आर था, एच आई था, किया था आपने ये, ठीक है। और क्या बना था बच्चों यहां पर, आर एक्स, ठीक है बेटा, एंड प्लस रिमूवल ऑफ वाटर। ये रिएक्शन याद है आपने की थी। एंड सेकेंड रिएक्शन बेटे याद कीजिए, पी एक्स थ्री क्या था बच्चों, पी सी एल थ्री, पी बी आर थ्री या बेटे पी आई थ्री। प्रोडक्ट बनाया था हमने क्या, 3 मोल्स लिए थे बेटे, यहां पर एक्स थ्री, यहां पर पी, तो क्या बना था, 3 RX और प्लस H3PO3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना था बेटे, ध्यान देना PX3 दिया मिले या क्या मिला दिए,
क्या मिले बेटा आपको? पी फोर प्लस एक्स टू मिले। पी फोर प्लस एक्स टू से क्या मिलेगा पहले? पी एक्स थ्री, दैट इज पी सी एल थ्री, पी बी आर थ्री या पी आई थ्री। इन सी टू जो हमने डिस्कस किया था, याद है ना वो वर्ड, जो मेन रिएजेंट यहां पर कौन है? पी सी एल थ्री। पर इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं? पी फोर प्लस सी एल टू। पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा? पी सी एल थ्री। फिर ये पी सी एल थ्री किससे रिएक्शन करेगा बेटे? अल्कोहल से, और फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। तो मेन रिएजेंट कई बार हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पाता है बेटे, उसको हम किन्हीं दूसरे रिएजेंट से बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? इन सीटू बोलते हैं। बोलो बड़े आगे, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक रिएक्शन और की थी आपने, आर ओ एच प्लस पी सी एल फाइव, याद है? हाँ जी। यहां पर क्या था? सी एल किया था, यहां पर सी एल, यहां पर बेटा पी सी एल थ्री। क्या बनाया था आपने? आर सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री प्लस एच सी एल। ओके बेटा, पी बी आर फाइव और पी आई फाइव वो एग्जिस्ट नहीं करते बेटा, वो यहां नहीं लेंगे, ठीक है। वन मोर रिएक्शन जो आपने डिस्कस की थी, थायोनाइल क्लोराइड के साथ बेटे, यहां पर आप ऐसे कर दीजिए, हेयर सी एल, हेयर सी एल, और यहां पर क्या आ गया था? एसओ। तो आर सी एल प्लस बेटा एसओ टू प्लस बच्चो एस सी एल। ये हमने बताया था कि बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आर सी एल। क्यों बेटा? बोलो क्या रीजन दिया था? याद करो, ये एसओ टू और एस सी एल ये क्या थे बेटे? गैसेस थे, दे कैन इजिली एस्केप आउट। तो इस पी सी एल फाइव और पी सी एल थ्री के रेस्पेक्ट में यदि हम कंपेरिजन करते हैं इन तीनों को, तो SOCl2 मेथड ये आपका बेटर मेथड पड़ता है बेटे। बोलो समझ में आया? ये हमने डिस्कस कर चुके थे पहले, लेक्चर 5 देख लेना, मैं फिर बता रहा हूं हेलो एल्केन चैप्टर में जो अभी हम करके हटे। चलो शाबाश, नोट करो, डू फास्ट। बड़े आगे अब आते हैं बेटे हम टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड की जो रिएक्शन है वो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है पहली, एंड इलेवेंथ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे बेटा, ठीक है। चलिए सारा कराएंगे, डोंट वरी। हां जी, टाइप थर्ड रिएक्शन। पहली में हमने क्या किया बेटे बताओ? पहले में हमने बॉन्ड तोड़ा ये, दूसरी रिएक्शन में बॉन्ड तोड़ा ये। अब बेटे दोनों ही बॉन्ड टूटेंगे, समझ गए? यानी अल्कोहल पूरा मॉलिक्यूल यूज होगा यहां पर, OH भी टूट जाएगा, COH भी टूट जाएगा, तो वो आपका आ गया टाइप थर्ड में। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए, तो इसमें पहली है बेटे आपकी, दो रिएक्शन है, एक है बेटा ऑक्सीडेशन और एक है डिहाइड्रेशन। तो लेट अस डिस्कस फर्स्टली योर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का क्या मीनिंग हुआ बेटे? डी मतलब व्हाट? रिमूवल, रिमूवल ऑफ वाटर। एल्कोहल से हम क्या बाहर निकालेंगे? H2O बाहर निकालेंगे, तो उसका मीनिंग क्या होगा बेटे? रिमूवल ऑफ वाटर। तो आप यहां पर जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले सकते हैं वो है, बच्चों मैं लिख रहा हूं बेटे, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, एनहाइड्रस ZnCl2, या बेटे आप एल्यूमिना ले सकते हैं। तो ये आपके बेटे सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं जो हेल्प करेंगे अल्कोहल से पानी बाहर निकालने में, ठीक है। चलो तो डिस्कस करें। अब देखिए बेटे, यहां पर जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके टेम्परेचर डिपेंडेंस हैं, ये मेन पॉइंट है बेटा, ध्यान रखना। जो प्रोडक्ट होगा वो टेम्परेचर कंट्रोल करता है बेटे, यही आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम करते हैं बेटे रिएक्शंस या डिहाइड्रेशन एट 443 केल्विन। यदि आप क्या लें बेटे? कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं एट 443 केल्विन। तो बेटा इस डिहाइड्रेशन को हम बोल देते हैं जनरली इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन बोल देते हैं बेटा इसको,
अब क्या मीनिंग हुआ इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन का? रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल. ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटे HOH. ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया आपने एट 443 केल्विन, ये आपने रिमूवल ऑफ H2O किया एंड प्रोडक्ट बना बेटे एल्कीन. तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्कीन ही बनेगा, ये ध्यान रखना. इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन में तो प्रोडक्ट हमेशा यहां पर बेटा जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन ही बनेगा. और एल्कीन में लेक्चर नंबर 63 है बेटे, यहां पर लेक्चर नंबर 63 जो कंपटीशन का लेक्चर हम ले चुके हैं 11th क्लास में पहले ही, वहां आप डिटेल से देख सकते हैं, इसे क्वेश्चंस करवा रखे मैंने. ठीक है, चलिए तो एक बार इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हुई, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना बेटे हमारा. वो तो मैकेनिज्म क्या है बेटा? सबसे पहले क्या होता है, ये H पॉजिटिव मेरे पास आया, कहां से आया? H2SO4 से आया. इसको क्या चाहिए भाई H पॉजिटिव को? इलेक्ट्रॉन चाहिए. इलेक्ट्रॉन कहां चमक रहे हैं बेटा? ये रहे लोन पेयर, और ये लोन पेयर यहां अटैक कर देंगे, बिल्कुल आसान है. और ये जो स्टेप होता है आपका फास्ट स्टेप है बेटे, क्लियर है बच्चों? नाउ मेन पॉइंट, अब आगे देखो, ये हुआ फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड. अब ये जो क्या बना, इसका नाम है बेटे ऑक्सोनियम आयन बोल देते हैं हम. क्या बोल देते हैं? ऑक्सोनियम आयन बोल देते हैं. अब यहां से क्या होगा, क्या समझा रखा है मैंने आपको, जैसे ही ऑक्सीजन पर चार्ज पॉजिटिव आता है मैकेनिज्म में, उस ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म करने की कोशिश किया करो बेटे. अब कैसे होगा? इस तरह ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? ऑक्सीजन पर, वाटर रिमूव. ठीक है, तो क्या हुआ, ये बना. क्या है भाई ये बताओ? हां जी बेटे, दिस इज व्हाट, कार्बोकेटाइन, एंड विल एक्ट एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट हियर, एंड दिस स्टेप इज योर स्लो स्टेप है बेटे आपका. क्लियर है बच्चों? थर्ड, नाउ व्हाट विल हैपन, ये मेरे पास जो कार्बोकेटाइन है बेटा, अब हमें ये पता है भाई ये जो कार्बोकेटाइन है ना, ये रिएक्टिव स्पीसीज है, तुरंत कन्वर्ट होना चाहिए क्या किसी स्टेबल स्पीसीज में. चार्ज पॉजिटिव है बेटे, कार्बन के तीन बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहां पर क्या होता है बेटे, तुरंत ये क्या निकल जाता है बाहर, H पॉजिटिव, और ये बॉन्ड इधर. और बच्चों अगेन दिस इज फास्ट, नाउ वी विल गेट व्हाट, एल्कीन एंड प्लस H पॉजिटिव वापस बेटे. जैसे ही एल्कीन बनती है आप इसको फास्टली रिमूव करें ताकि रिएक्शन आपकी प्रोडक्ट साइड या फॉरवर्ड स्टेप में आगे बढ़े, ये ध्यान रखना बेटे. बोलो क्लियर है? कोई डाउट है इस मैकेनिज्म में? बोलो. मेन पॉइंट क्या है? ये है कार्बोकेटाइन यहां बनना, क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, नोट कीजिए, शाबाश. चलो डू फास्ट, बड़े बच्चों आगे करो साफ. ओके, देखिए बेटा, अब एक बात बताइए मुझे, मैंने आपको क्या समझा रखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटे स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, पढ़ रखा हमने. अब यहां पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट कौन है? कार्बोकेटाइन. यानी रेट ऑफ या डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और मेन बढ़िया तरीके से यदि आप लिखना चाहें, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा बेटा.
जितना स्टेबल कार्बन कंटेंट होगा बच्चों उतनी ही क्या होगा उस एल्कोहल की डिहाइड्रेशन फास्ट हो जाएगी। बोलो क्लियर है? ओके, अब एक बात बताओ, टर्शरी एल्कोहल यदि मेरे पास है, मैं ले लेता हूं बेटा, जैसे भाई मैंने ये ले लिया टर्शरी एल्कोहल, ठीक है, अब टर्शरी एल्कोहल से क्या बनेगा, टर्शरी कार्बन कंटेंट, आप शॉर्टकट पे आ जाओ, इस OH नेगेटिव को हटा दो यहां से, ये लो बेटा, ठीक है, यहां से मेरे पास क्या बना, टर्शरी कार्बन कंटेंट। यदि मेरे पास है बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, ये जैसे मैंने ले लिया सेकेंडरी एल्कोहल, OH को हटा दो तो क्या बना बच्चों, सेकेंडरी कार्बन कंटेंट। यदि मेरे पास क्या है बेटे, कोई प्राइमरी एल्कोहल है, जैसे मैंने ये सिंपल लिख दिया, तो यहां से क्या हट गया बेटे, OH नेगेटिव हटा हो, तो यहां से क्या मिला, प्राइमरी कार्बन कंटेंट। बोलो बना या नहीं बना? बिल्कुल। अब बेटा क्या समझा रखा है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कंटेंट किसके बराबर है बेटा, यानी सॉरी ऑर्डर क्या है, टर्शियरी कार्बन कंटेंट मोस्ट स्टेबल है, सेकेंडरी उससे लेस स्टेबल है और प्राइमरी उससे लेस स्टेबल है बेटे। क्या आपको ये ध्यान है सारा? बोलो, डोंट वरी, आप यहां पर ये भी ले सकते हैं बेटा, टेंशन नहीं, ठीक है, ओके। अब देखो ये आइसोमेरिक एल्कोहल लिख दी मैंने, एक टर्शरी थी, एक सेकेंडरी थी और एक प्राइमरी थी, इससे बना टर्शरी कार्बन कंटेंट, सेकेंडरी एल्कोहल से बना सेकेंडरी कार्बन कंटेंट और प्राइमरी से बना प्राइमरी कार्बन कंटेंट। बोलो क्लियर है? अब नाउ हाइड्रेशन क्या होगा बेटे, किस बात पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कंटेंट, तो मैं क्या ले सकता हूं, डिहाइड्रेशन ऑफ आइसोमेरिक एल्कोहल, यदि मैं आइसोमेरिक एल्कोहल लेता हूं तो क्या होगा बेटे, बोलो टर्शरी एल्कोहल का रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी एल्कोहल का, और सबसे कम डिहाइड्रेशन रेट किसका होगा, प्राइमरी एल्कोहल का। अब ये बात किस पे डिपेंड है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कंटेंट, ध्यान रखना बेटे। बोलो बढ़ू आगे चले, अब इसी बात पर कंडीशन भी डिपेंड कर जाती है बेटे, क्या, यदि आप प्राइमरी एल्कोहल को देखते हैं, यहां मुझे चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, सेकेंडरी एल्कोहल यदि मैं लेता हूं तो वहां बेटा 85% H2SO4 चाहिए एट 440 केल्विन, टर्शियरी एल्कोहल में तो सिर्फ मुझे 20% H2SO4 स्ट्रेंथ की जरूरत है और टेम्परेचर घटकर 360 केल्विन। बात समझ में बेटे, देखो रिएक्शन कंडीशन भी मेरे को माइल्ड हो गई, क्यों हो गई, किसकी वजह से, टर्शियरी कार्बन कंटेंट की वजह से। क्या ये क्लियर हुआ आपको? बोलो, चलो शाबाश, नोट करो बेटा, बहुत अच्छे। बढ़े आगे, ओके, अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखिए मान लीजिए बेटे मैं ले रहा हूं अब ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, मैंने ब्यूटेन टू ऑल ले लिया बच्चों, तो बार बार अब मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्या करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए, OH को हटा दो यहां से, OH को हटाओगे तो यहां चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्लियर है, कौन सा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन बेटे। यहां पर ये दो प्रोडक्ट बना सकता है, कैसे भाई, यदि ये H पॉजिटिव हटाओगे तो बॉन्ड आया इधर, तो कौन सी एल्कीन बनी, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड दैट इज ब्यूट वन इन, क्लियर है, ओके। चलो मैं यदि ये H पॉजिटिव हटाता हूं बेटा तो डबल बॉन्ड आ गया इधर, बोलो तो अब बना क्या, हां जी ये बना बेटे ब्यूट टू इन, क्लियर है, ध्यान से, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये मैं लिख रहा हूं डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, ये कौन सा है, बीटा, ये गामा, आई एम सॉरी बेटे,
दिस इज नॉट अल्फा, ये है बेटा अल्फा, ठीक है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट है बेटा, तो ये कौन सा है अल्फा, ये कौन सा है बीटा, ठीक है ना। यहां पर कितने हुए बेटा, टू अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या बनेंगे, सिक्स हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, और यहां पर बनेंगे टू हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। नाउ क्या समझा रखा है मैंने, बोलो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, कर चुके बेटा। अब इसमें क्या है, देखो सिक्स है तो आप क्या कहोगे, बोलो, दिस इज योर मोर स्टेबल, सो दिस इज योर मेजर। यहां पर बेटे दो है तो क्या बोलोगे, ये बेटा लेस स्टेबल, सो दिस इज बच्चों माइनर। बड़ा आसान है बेटे, बहुत आसान है, ठीक है, ओके। तो ये बनता है बच्चों आपका 80% और ये बनता है आपका 20%, क्लियर है क्या, बोलो। तो ये आपका सेट्स ऑफ रूल हम ऑलरेडी कर चुके थे, सेट्स ऑफ रूल बोल लो, या बेटे कुछ बुक्स में जेट्स रूल भी मिल सकता है। क्या कहता है ये रूल, यदि हमारे पास पॉसिबिलिटी है मोर देन वन एल्कीन बनने की, वो एल्कीन मेजर होगी जो ज्यादा एल्काइलेटेड होगी। इसका मतलब समझ में आया आपको बेटा, दैट इज यहां पर क्या लिखेंगे, मोर एल्काइलेटेड एल्कीन क्या होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, ये आपका रूल है बेटे। मोर एल्काइलेटेड का मतलब होता है बेटे डबल बॉन्ड, पकड़ लिया यू हमने इसको, देखो कितने एल्काइल ग्रुप, यहां एक दो, तो इसके साथ दो एल्काइल ग्रुप, इसके साथ यहां सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप, देखो H H, और यहां पर इसको लिख दो बेशक H, तो यहां सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप, यहां पर बेटे दो एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या होगी लेस एल्काइलेटेड, ये क्या होगी मोर एल्काइलेटेड। तो ये रूल क्या कहता है, मोर एल्काइलेटेड एल्किन क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। आया बेटा समझ में, बोलो, बढ़ो आगे। अब एक पॉइंट और आ गया, क्या गया भाई, ये जो ब्यूट टू इन है, ब्यूट टू इन भी एग्जिस्ट करती है किस किस में, देखो मैं यहां लिख रहा हूं, सिस में और ट्रांस में, CH3 एच एच, एंड यहां लिख दिया बेटे मैंने, ठीक है। तो ये है आपका सिस और ये है आपका ट्रांस, क्लियर। सिस बनता है 10% और ट्रांस बनता है बेटे ये आपका 70% आउट ऑफ 80 से, ध्यान रखना। क्यों, देखो नजदीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी, रिपल्शन ज्यादा होगी, तो बेटा सिस बनेगा कम। अब ये ग्रुप क्या हो गए, दूर दूर हो गए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो गया, रिपल्शन कम हो गई, भीड़ कम हो गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई तो ज्यादा बनेगा, बस बोलो बढ़े आगे। अब सुनो, यदि मैं लेता हूं प्रोब्यूटेन वन ऑल और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, क्या बताओगे बेटे, वही शॉर्टकट मारो, यहां ले आओ चार्ज पॉजिटिव, क्या बना है प्राइमरी कार्बोकैटायन, क्या होगा हाइड्राइड शिफ्ट, वन टू हाइड्राइड शिफ्ट होगा यहां पर, ये एच नेगेटिव आ गया इधर, उससे क्या हो गया बच्चों बताओ, पॉजिटिव आ गया इधर, किस समय कन्वर्ट हो गया टर्शियरी कार्बोकैटायन में, फिर वही। अब इसके प्रोडक्ट भी यही बनेंगे जो आपने ये सारा पढ़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्यूटेन वन ऑल एंड ब्यूटेन टू ऑल विल गिव यू सेम प्रोडक्ट, बट मेन पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल ये नोट कर लेना, ब्यूटेन टू ऑल विल गिव सेम प्रोडक्ट, ये
रीजन मैंने दे दिया कि पहले क्या बना प्राइम कार्बोकैटायन, फिर क्या बना सेकेंड कार्बोकैटायन। ठीक है बेटे, बार मेन पॉइंट क्या है बच्चों, बट रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन टू ऑल इज ग्रेटर देन ब्यूटेन वन ऑल। क्यों भाई, यहां पहले से क्या बन गया सेकेंड कार्बोकैटायन, यहां पहले क्या बना प्राइमरी, फिर चेंज हुआ है सेकेंडरी में। बोलो क्लियर हुआ है बेटा, बोलो, यही आपको रिजल्ट लिख लेना है तो लिख लेना बेटे। क्या, बिकॉज ब्यूटेन टू ऑल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू सेकेंड कार्बोकैटायन, वेयर एज ब्यूटेन वन ऑल फर्स्टली फॉर्म प्राइमरी कार्बोकैटायन विच फर्दर रीअरेंज इनटू सेकेंडरी। तो बेटे टाइम बढ़ गया ना यहां पर, यहां तो सीधा ही सेकेंडरी बन गया, यहां पहले प्राइमरी और फिर सेकेंडरी। बोलो क्लियर हुआ है, चलिए शाबाश, नोट करो, डू फास्ट। बढ़े आगे, हां जी बेटे, ओके। अब एक और रह गया बेटे, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, करें साफ। एक क्वेश्चन और ले ले, देखो इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ध्यान से करो इसको, डिहाइड्रेशन के मैकेनिज्म। कई बार बोर्ड पूछा गया सीधा मैकेनिज्म आपके बेटे, टू और थ्री मार्क्स के आते हैं डायरेक्टली, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन दे दिया बेटे, सी एच थ्री एच एच सी एच थ्री ओ एच, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यदि क्वेश्चन बेटे ये आ जाए, सिंपल ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या बता रखा है मैंने, जहां पर OH है उसको हटा दो और चार्ज पॉजिटिव ले आओ, सबसे पहला काम ये। कैसा कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। क्या कोई चांस है रीअरेंजमेंट के, यस, इसको इधर ले जाओ, क्या हो गया, हां जी बच्चों, यहां चार्ज पॉजिटिव, कैसा कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहां पर क्या कर लिया हमने, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट बाय वन टू हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। क्या समझा रखा है बेटे, कि कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तब ही होगा, कब, जब स्टेबिलिटी बढ़ती हो कार्बोकैटायन की, अदरवाइज नहीं होगा बेटे, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ अब यहां पर दो चांस हैं, क्या चांस है बताओ मेरे को, एक बार ध्यान से देखना एक बार, हां जी बच्चे, यदि ये एच पॉजिटिव निकालता हूं तो इधर आया बॉन्ड तो प्रोडक्ट बना, तो अपने आप बताना मुझे कौन मेजर कौन माइनर, एक प्रोडक्ट तो बनाइए, ठीक है। यदि मैं निकालता हूं ये एच पॉजिटिव तो ये बॉन्ड आ गया इधर, तो ये बना सी एस थ्री, सी एस थ्री डबल बॉन्ड CH3, CH3। ध्यान से देखो कौन सा मेजर, दिस इज मेजर बेटे, 12 अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से, दिस इज अल्फा कार्बन डायरेक्ट, ये अल्फा कार्बन तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर है 4 अल्फा हाइड्रोजन। सो क्या बोलोगे, ये माइनर है और ये मेजर है, बोलो कोई डाउट हो तो, चलो शाबाश, नोट करो बेटे, डो फास्ट। बढ़ो आगे, चलो नेक्स्ट बेटे, टेम्परेचर तो ये हमने पढ़ा 443 केल्विन पर क्या होगा, ठीक है। बोर्ड के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिस लेक्चर आर सफिशियंट बेटे, मोर देन सफिशियंट है, उनको जो मैं बता रहा हूं बेटे, जो लेक्चर में बता रहा हूं वो देखने की जरूरत नहीं है, यदि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो फर्दर आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब ले रहे हैं बेटे टेम्परेचर, यदि है बेटा 413 केल्विन, ठीक है। तो सुनिए, यहां पर प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ अल्कोहल पर। देखो 443 पर तो सिर्फ क्या बनेगा, एल्कीन, यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, प्रोडक्ट्स डिपेंड्स अपॉन
नेचर ऑफ अल्कोहल, ठीक है बेटा, अल्कोहल की नेचर क्या है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो पहला हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल केस। प्राइमरी अल्कोहल यदि हम दो मॉलिक्यूलेशन कर रहे हैं बेटा, यानी यदि कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं एट 413 केल्विन पर, तो बेटा रिमूवल ऑफ वाटर यहां भी होता है, पर प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्कीन बनता है, सॉरी इथर बनता है बेटे, बट माइनर एल्कीन भी बनता है। ये आपका माइनर है और बेटा ये आपका मेजर है, क्लियर हुआ। चलो आगे देखें कैसे, एक बार इसका मैकेनिज्म देख लो, ठीक है। यदि आप ये क्या लिखा बेटे, प्राइमरी अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल, यदि मैं ले लेता हूं सेकेंडरी अल्कोहल, वो भी समझा देता हूं बेटा, अभी मैकेनिज्म में साथ साथ ले लूंगा फिर, ठीक है। ये मैंने मैकेनिज्म सेकेंडरी अल्कोहल लिया, ओके बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल यदि मैं लेता हूं तो क्या होता है बच्चों, कंडीशंस वही रखेंगे, यहां पर एल्कीन जो है वो मेजर है और ईथर जो है वो माइनर है। डोंट वरी, बढ़िया तरीके समझेंगे, टेंशन मत लो। तो ये एल्कीन बना, दैट इज प्रोपीन बना, तो ये मेजर बनता है, ठीक है बेटा। यदि मैं ले रहा हूं ट्रशरी अल्कोहल लाइक दिस, तो ट्रशरी अल्कोहल में तो मैंने बताया था अभी आपको, यहां तो सिर्फ एल्कीन ही बनेगा, पीछे वाले क्वेश्चन पर जाओ एक बार, वहां 360 या 358 केल्विन टेम्परेचर था, यहां तो मैंने कितना दे रखा है 413, यहां तो बनेगा ही एल्कीन। तो टर्शरी अल्कोहल में सिर्फ क्या बनता है, एल्कीन, क्लियर हुआ बच्चों। चलो एक बार नोट करो, तो प्राइमरी प्लस यानी प्राइमरी अल्कोहल इथर ज्यादा एल्कीन कम, सेकेंडरी अल्कोहल इथर कम एल्कीन ज्यादा, टर्शरी सिर्फ एल्कीन। अब सभी का रीजन देखते हैं ऐसा क्यों है, डोंट वरी, लेट अस डिस्कस फर्स्टली योर प्राइमरी अल्कोहल में कि प्रोड तो सेम है पर ये मेजर माइनर चेंज क्यों हुआ है। देखो बेटे, सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये एच पॉजिटिव आया यहां से, यही आपको समझना है, चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब बेटा एक बात थोड़े से सोच के बताओ, क्या देखो ये स्टेप तो फास्ट हुआ, मेरे पास सेकंड मॉलिक्यूल और भी है, होगा क्या बेटे, यही लिख रहा हूं बेटे, ऑक्सोनियम आयन जो बना था, दिस इज व्हाट, ऑक्सोनियम आयन, ठीक है, ये बेटे। नाउ दिस इज योर स्लो स्टेप, ओके ये फास्ट है बेटे, व्हाट विल हैपन, ये जो इलेक्ट्रॉन है कहां टेक करेंगे, इस कार्बन के ऊपर, ताकि रिमूवल ऑफ वाटर हो जाए, माइनस H2O, ध्यान से देखना बेटे, ऑक्सीजन पर अटैक मत करवा देना, बेशक चार्ज पॉजिटिव ही क्यों ना हो, बोलो क्लियर है। अब यहां पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब आपने क्या पढ़ रखा है, जैसे ही चार्ज क्या है बेटे, पॉजिटिव आता हो तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज खत्म करने की कोशिश किया करो। अब नेक्स्ट स्टेप में, और ये लास्ट स्टेप है बेटे आपका, ओ एच, फिर अल्कोहल मॉलिक्यूल आएगी, वो यहां से क्या छीन लेगी, इस एच पॉजिटिव को, और प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ये फास्ट है बेटे, देन प्रोडक्ट इज योर इथर, एंड अल्कोहल ने जो एच पॉजिटिव लिया था वो दोबारा फिर इसमें कन्वर्ट हो गया, बोलो। अब इसके ऊपर फिर अल्कोहल अटैक कर देगी बेटा, फिर ये बनेगा, ये आपका सर्कल चलता रहेगा, बोलो क्लियर है।
क्वेश्चन ये है कि ये इथर मेजर क्यों है? बेटे वो इसलिए है, यूं बताओ, ये मैंने लिखा था अभी, ओके, एल्किन किस तरह बनाओगे? इथर कब बना है? बाय दिस बैक साइड अटैक, कौन सा एसएन2 मैकेनिज्म? ये यहां अटैक करेगा तब इथर बनेगा, ये तो क्लियर हो गया हमें। अब एल्किन कैसे बनता है? रिमूव करो वाटर, अभी पीछे पड़ के अटे हम, ठीक, फिर रिमूव करो एच पॉजिटिव, तो एल्किन बनता है इस तरह बेटे। अब देखो ये कार्बटेन कौन सा है? प्राइमरी कार्बटेन, लिस्ट स्टेबल, ठीक है, ध्यान देना। एल्कीन फॉर्मेशन किसके थ्रू होगी? कार्बोकैटेन के थ्रू होगी। बोलो इथर फॉर्मेशन बैक साइड अटैक की होगी। तो SN2 प्राइमरी है, इतना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है, इजिली अटैक कर सकता है बेटे। बोलो प्राइमरी कार्बन लिस्ट स्टेबल है, ये इजिली एल्कीन नहीं बनाएगा, पर बनाएगा थोड़ा बहुत, तो माइनर ये मेजर, आई थिंक क्लियर हुआ होगा बेटे। बोलो बडूम आगे, कोई डाउट किसी को? चले अब एक बात बताओ, मैं ले लेता हूं अब सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, जैसे इसे ही मैं चेंज कर दो बेटा। चलो एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, चल पड़े आगे, हाँ ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अब बात करें यदि हम सेकेंडरी अल्कोहल की, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है बेटे उसका भी। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या बताया था कि मेजर एल्कीन बनेगा भाई, क्यों बनेगा देख लो एक बार। ये था सेकेंडरी अल्कोहल, तो मेजर हमने बनाया एल्कीन, और माइनर बेटे हमने बनाया बच्चों इथर, ये माइनर है और ये मेजर है, सारे स्टेप सेम है। जल्दी जल्दी करें एक बार, देखो OH H, हटाओ OH नेगेटिव, या चलो एक मिनट ऐसे कर लो, पहले इस तरह करो बेटे पहले, ठीक है। अब सुनो एल्किन कैसे बनाओगे बताओ, बताओ इसको हटाओगे, इसी तरह जाएंगे ना मैकेनिज्म में, यहां चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, इधर कौन है H, बोलो यहां तो कोई डाउट है? बोलो नहीं ना। अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं बेटा एक बार, ठीक है, टेंशन मत लेना, बिल्कुल वही है, यहां H कर दिया, यहां पॉजिटिव, क्या निकाल लोगे बाहर? H पॉजिटिव, तो क्या मिल रहा है? एल्कीन, ठीक है, प्रोपेन मिल गया हमें बेटे। कैसा कार्बोकैटेन? सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इसलिए ये मेजर, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। इथर कैसे बनेगा? इथर तब बनेगा कब? यदि ये लोन पेयर कहां अटैक करें? इस कार्बन पर, यहां पर क्या हो गई? भीड़ हो गई, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? स्टीरिक हिंड्रेंस क्या हो गया? इंक्रीज, सो कैन नॉट इजिली अटैक, समझ गए बेटे? ये SN2 यहां पर इजिली नहीं होगी बेटे, थोड़ा बहुत बन जाएगा, इसलिए जो इथर, जो यहां इस पाथ से जो इथर बनेगा वो क्या होगा? माइनर इथर बनेगा बेटे। मेजर क्या बनेगा आपका? बोलो एल्कीन। टर्शरी में तो मतलब ही नहीं पैदा होता बेटे, तो टर्शरी में तो बनेगा ही क्या? सिर्फ ओनली एंड ओनली एल्कीन, क्योंकि यदि आप टर्शरी को यहां दिखाना चाहो, ये टर्शरी है, एक बार आप पहले इसका नोट कर लो, फिर मैं इसमें चेंज कर दूंगा बेटे। चलो नोट करो इसको पहले एक बार, बढ़े आगे, ठीक है,
कर लिया। अब देखो यदि मैं इसको टर्शरी बना दूं, ठीक, सी एस थ्री एच, चलो यहां कर दो बेटे, ठीक है, ओके। अब मुझे ये बताइए क्या यहां पर टैक हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो टर्शरी तो इथर बनाएगा ही नहीं, इस तरह कर लेना बेटा, टर्शरी तो इथर बनाएगा ही नहीं किसी भी सूरत में। क्लियर है क्या? बोलो। तो टर्शरी अल्कोहल से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगी? ओनली एल्कीन, लिख लेना बेटे, बस। ये मैंने आपको रीजन बता दिया कि यहां पर तो होगा ही नहीं, यहां पर कैन नॉट इजिली, नहीं कैन नॉट अटैक लिख देना सीधा, यहां पर अटैक पॉसिबल ही नहीं, इथर बनेगा ही नहीं आपका। बोलो बड़े आगे आए बेटा समझ में? चलो इसको भी नोट कर लो एक बार, जल्दी कीजिए। ओके बेटे, तो बच्चों हम इस रिएक्शन को यूज करते थे किसके लिए बेटा? फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेनली इथर बेटे। नेक्स्ट जो आएगा ना इथर, मैं वहां डिस्कस भी करूंगा इसको, मेनली इथर की प्रिपरेशन के लिए यूज करते थे बेटा। तो इथर के लिए क्या लेना आपको? प्राइमरी प्लस प्राइमरी अल्कोहल लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर इथर प्रिपरेशन क्या करेंगे? अल्कोहल्स मस्ट बी प्राइमरी बेटा, बस ये ध्यान रखना, प्राइमरी होना चाहिए बेटा, ठीक है। एक और बात, मिक्स्ड इथर कैन नॉट इजली प्रिपेयर बाय दिस इथर। मिक्स्ड इथर कौन से हुए बेटे बताओ? अनसिमेट्रिकल इथर। मान लीजिए आपसे, देखो एक सीधी सी बात है, आपसे पूछा किसी ने, बताओ मुझे ये इथर बनाना, क्या क्या लोगे? तुम ऑब्वियसली मैं क्या लूंगा? यही अल्कोहल लूंगा ना बेटे, बोलो। दोनों क्या है? सेम सेम है, तो एक ही टाइप का इथर बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया भाई, क्या ये इथर बना पाएंगे? ये इथर है आपका मिक्स्ड इथर, एक तरफ मिथाइल ग्रुप एक तरफ इथाइल ग्रुप, या दोनों सेम थे। इसको बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? CH3OH एंड C2H5OH, ये दो टाइप की अल्कोहल लेनी पड़ेंगे बेटे। अब यहां पर अब तीन इथर बनेंगे, कैसे? देखो यही तो समझना है, ये देखो, एक तो ये बन गया है ना, एक ये लो बेटा ये बन गया। मेरे को यहां पर तीन डिफरेंट टाइप के इथर मिलेंगे। अब ये मत बोलना कि सर बढ़िया है, नो नो नो, क्या समझा रखा है मैंने आपको? वही रिएक्शन बढ़िया होती है जिसमें सिंगल टाइप का प्रोडक्ट बने। अब तीन बनेंगे तो इनको बेटा क्या होगा, सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो मेथड है प्रिपरेशन का मिक्स्ड इथर के लिए, बोलो, अच्छा नहीं है। सिंपल इथर के लिए बढ़िया है, वो भी कौन सा? अल्कोहल क्या होनी चाहिए? बोलो बेटे, प्राइमरी हो, तब ही बेस्ट बनेगा। बोलो क्लियर है? बढ़ू मैं आगे? हाँ ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। फिर हम कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं बेटे, जैसे अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3 6132 623 केल्विन। यदि आप टेम्परेचर ये लेते हैं बेटा, सॉरी बेटा 5132 523 केल्विन, तो बन जाएगा क्या? एल्कीन, ठीक है। यदि यही टेम्परेचर आप ले लेते हैं 633 केल्विन, तो प्रोडक्ट क्या बनता है बेटे? इथर। क्या बनेगा? इथर, ठीक है। बोलो कर पाएंगे? ओहो बेटा एक सेकंड, बच्चों एक सेकंड,
गलती हुआ बेटे, यहां लिखो 633 केल्विन और यहां 5132 केल्विन, क्योंकि लोअर टेम्परेचर है इथर फॉर्मेशन, हायर पर बेटा एल्कीन। ये बेटे आप कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। चले आगे बोलो। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक करो बेटे, ठीक है। अब अल्कोहल का एक लेक्चर और लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड केमिकल टेस्ट फॉर अल्कोहल एंड फिनॉल, वो ट्राई करेंगे, ठीक है बेटे। तब तक मेहनत करते रहिए बेटा, ऑलवेज बी हैप्पी बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।